हाँ तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टेक्निकल योगी सर जी अपना वीडियो कैसे एडिट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 टिप्स मैं आप सभी को देने वाला हूँ जो कि टेक्निकल योगी सर जी अक्सर अपने वीडियोज में यूज करते हैं और उनका वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ कैसे एडिट करते हैं, सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। 5 टिप्स काफी यूजफुल हैं, अगर आप अपने वीडियोज में यूज करेंगे तो आपका भी वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो टिप्स नंबर 1 पर बात करेंगे हम टेक्स्ट की। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद इसे कैसे एडिट करते हैं ये सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस टॉपिक को देखे और बहुत सारे लोग हाँ। तो भाई जैसे कि आपने देखा अभी योगी सर ने किस प्रकार से अपनी वीडियोज में टेक्स्ट साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया है, तो इस प्रकार का वीडियो एडिट करने के लिए अपनी वीडियोज में टेक्स्ट इस्तेमाल करने के लिए सिंपली ये ट्यूटोरियल वीडियो देख लीजिए। हाँ तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इस टेक्स्ट पर चले जाना है और एडिट पर चले जाना है। यहाँ पर आप सभी को अपना वो टेक्स्ट टाइप कर देना है जो भी टेक्स्ट अपने वीडियो एडिटिंग में यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यूज करने वाला हूँ ट्रेंडिंग शब्द, तो मैं ट्रेंडिंग लेटर यूज करने वाला हूँ, तो इसको कैपिटल लेटर में आप सभी को ध्यान रेफरेंस कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट करना है, यहाँ पर चले जाना है। यहाँ से आप सभी को इसके कलर को फ्रेंड्स जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर आप सभी को यहाँ पर चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया कोई एक कलर, उसके बाद सिंपली फॉन्ट पर चले जाऊँगा और यहाँ पर मैं कोई भी एक फॉन्ट यानी कोई भी नहीं एक फॉन्ट ये मैम फॉन्ट वाला सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर स्पेसिंग में चला जाऊँगा और इसको जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा इसके साइज को, थोड़ा सा बीच में स्पेस दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पर चले जाऊँगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कुछ हरा कलर रख दे रहा हूँ और ये सेटिंग्स में थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार सेम आप सभी को अपने टेक्स्ट को एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एडिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर मैं साइज को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा और इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा, उसके बाद ओके कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर देना है, उसके बाद सेव पर चले जाना है और इसको आपको सेव गैलरी कर लेना है। अब ये PNG में सेव हो जाएगा, इसे ही मैं एक और बनाकर मैं इसे ही 2 सिलेक्ट कर लूँगा। तो सिंपली जिस वीडियो में मुझे एड लगाना है उस वीडियो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा काइन मास्टर में, और जहाँ पर योगी सर बोल रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स में उस पर चले जाऊँगा और वहीं पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर दूँगा। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दे रहा हूँ साइड में ले जाकर, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से मैं इसको कट कर दूँगा। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से जितना तक रखना चाहता हूँ उतना रखूँगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर दूँगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आऊँगा और यहाँ से म्यूजिक पर जाऊँगा और यहाँ से मैं फोल्डर में जाकर ये साउंड वाला इफेक्ट वाला इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली इसको मैं यहाँ से जहाँ से दिखा रहा मेरा साउंड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर कट लगाऊंगा और इसको आगे फॉन्ट पर सिलेक्ट कर दूंगा। अब सिंपली मैं दूसरा फॉन्ट यहाँ पर ऐड करूँगा, टॉपिक वाला ट्रेंडिंग मैंने सिलेक्ट किया, टॉपिक वाला सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इस जो साउंड इफेक्ट है इसको डुप्लीकेट लेयर करूँगा और इसको भी मैं अपने सेकेंड लेयर के साथ यहाँ पर मैच कर दूँगा। तो इतना हो जाने के बाद मैं इस सेकेंड लेयर का जो लेयर है इसको कट कर दूँगा। अब हमारा वीडियो कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है, इसको प्ले करके देखेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हाँ हाँ तो वही टिप्स नंबर 2 पर बात करेंगे हम प्रीव्यू वीडियो, यानी जब योगी सर के वीडियोज को आप देखते होंगे जब वो स्टार्टिंग करते हैं अपने वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट रहता है इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वीडियो का उस वीडियो को पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद से वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए योगी सर जी का। सर ट्रेंडिंग टॉपिक हमें हमारी कैटेगरी में नहीं मिलता, तब की बात ये कि एक क्रिएटर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ हाँ तो भाई इस तरीके का योगी सर जैसा रिव्यू वीडियो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। हाँ तो भाई यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करता हूँ, सिंपली पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके सिंपली दोबारा से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है।
उसके बाद से यहाँ पर आप सभी को इन दिस वीडियो को टाइप कर देना है। सिंपली टाइप कर देने के बाद डॉट डॉट लगाने के बाद ओके कर देना है और थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देना है इसको लेंथ को। उसके बाद बीच में रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर हम ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर देना है। फॉन्ट रखना है डेज वाला, उसके बाद ओके कर देना है। सिंपली इसको सेट करेंगे। सिंपली उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाले ऑप्शन पर जाकर इसको रेड कलर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से कर देंगे ओके। ओके कर देने के बाद यहाँ से भी ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो ट्रांसपेरेंट कर देने के बाद आपको वेरी हाई पर वीडियो को यहाँ पर फोटो को सेव कर लेना है। PNG फोटो जब सेव हो जाए उसके बाद आप सभी को अपना काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली क्रिएट पर क्लिक करके यहाँ से मैं एक फ़ोटो को बैकग्राउंड फ़ोटो ये इस कलर का सेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी कलर का सेम आप सभी को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसके लेंथ को लगभग यहाँ पर 5 से 6 सेकंड के बीच में रख दूँगा। आपका जितना बड़ा प्रीव्यू वीडियो रहेगा उतने पर रख लेना है। तो मैं एग्जांपल के लिए इतना बता दे रहा हूँ। सिंपली लेयर पर क्लिक कर देने के बाद स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपली आप सभी को स्क्रीन ग्लिच वाला जो इफेक्ट रहेगा इसको डाउनलोड कर लेना है। असिस्ट स्टोर से सर्च कर लेंगे, आपको आसानी से डाउनलोड मिल जाएगा। तो ये फोर्थ नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके लेंथ को आपको लास्ट तक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अल्फा ओपेसिटी को तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देना है, यहाँ पर 70 पर आप सभी को रख लेना है। अब आप उसको भी कोई स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, स्टेकर पर फिर से क्लिक करना है। स्क्रीन ग्लिच वाले ऑप्शन पर जाने के बाद तीसरे नंबर वाला जो ये रहेगा ग्लिच, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया है। इसके लेंथ को भी मैं लास्ट तक यहाँ पर खींच कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को फिर से स्टार्टिंग पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप सभी को मीडिया पर क्लिक करके आप सभी को यहाँ से एक वाइट कलर का जो है फ़ोटो सिलेक्ट यानी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके मास्क वाले ऑप्शन को ऑन करके यहाँ से शेप पर जाकर ये गोलाकार वाला शेप आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्रॉप करेंगे यहाँ पर अंडाकार का कर देने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कुछ इतना बड़ा कर देने के बाद इसको लेंथ को लास्ट तक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और इसके कलर को कर देंगे येलो। ध्यान रहे फ्रेंड्स आप सभी को सिर्फ पीला कलर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा जो वाइट कलर का बॉर्डर रहेगा हम इसका बॉर्डर बनाएंगे वाइट कलर का, तो इसलिए हम यहाँ पर जो पीला कलर का जो शेप रहेगा उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। उसके बाद फिर से हम मीडिया वाले लेयर पर जाकर जो PNG हमने पिक्सल लेयर पर सेव किया था इसको मैं लाकर यहाँ पर साइड में इस तरह से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इसके लेंथ को लास्ट तक कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना कर देने के बाद फ्रेंड्स आप सभी को मीडिया पर क्लिक कर देना है और एक वाइट कलर का बॉर्डर और सिलेक्ट कर लेना है यानी कि बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक दो सेकंड पर आपको कट लगा देना है। उसके बाद फिर से स्टार्टिंग पर यहाँ पर आना है, उस सेकंड लेयर के लेयर पर क्लिक कर देना है, स्टिकर पर क्लिक कर देना है और ये ब्रॉडकास्ट ग्लिच वाला जो रहेगा इस पर सिलेक्ट करके ये वाला जो लास्ट से सेकेंड वाला रहेगा इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप सभी को कैची पर जाकर इसे कट कर देना है। सिंपली आप सभी को इसके जो हमें साउंड इफेक्ट लगा देना है, तो साउंड इफेक्ट लगाने के लिए म्यूजिक पर जाना है, डाउनलोड पर मैंने डाउनलोड किया है, इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये यहां पर हम जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड रहेगा इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद सिंपली हमारा कम्प्लीटली जो फ्रेम है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है, अब इसको हम कर लेते हैं सेव। तो सेव करने के लिए सिंपली ऊपर कर्सर पर क्लिक करेंगे और सेव एस वीडियो कर लेंगे। तो हमारा वीडियो सेव हो चुका है। अब यहां से हम कट करके वापस आएंगे और जिस भी वीडियो में मुझे लगाना है उस वीडियो को पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से। तो एग्जांपल के लिए मैं योगी सर जी का ही वीडियो यहां पर ले रहा हूं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पर कट लगा देता हूँ, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर कट कर देता हूँ, छोटा सा वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके सिंपली यहाँ से मैं जो वीडियो मैंने सेव किया उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाऊंगा और स्प्लिट स्क्रीन करके फुल स्क्रीन पर मैं यहाँ पर अपने वीडियो को सेट कर दूंगा। सिंपली क्रोमा की वाले ऑप्शन पर जाकर इसे इनेबल कर देना है और जो येलो कलर का रहेगा इसको यहाँ पर से रिमूव कर देना है और उसके बाद यहाँ से कुछ सेटिंग करके आप सभी को अपने फ़ोटो यानी वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपली मान लीजिए ये मेरा हो गया डेमो वीडियो जो कि मुझे दिखाना है प्रीव्यू में, पहले मुझे दिखा देना है ताकि हमारी एंगेजमेंट बना रहे। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ से कट करके हटा दे रहा हूँ ताकि हमारा जो है लगातार वीडियो ना प्ले हो। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा जो वीडियो इसमें प्ले हो रहा है ये हो गया मेरा डेमो वीडियो। उसके बाद अब यहाँ से इसको ख़त्म होने के बाद अब यहाँ से स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट होता है। सिंपली इस कुछ इस प्रकार से आप अपने वीडियोज में रिव्यू फ्रेम वीडियो बना सकते हैं। हाँ तो भाई टिप्स नंबर 3 पर बात करेंगे हम। योगी सर जी जो अपने वीडियोज में लोगो लगाते हैं वो रोटेट करता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देख लीजिए। हाँ तो भाई इस तरीके का रोटेट करता हुआ लोगो अपने वीडियो में लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार पर आप सभी को टाइप कर देना है 3DGIF Maker। जी हाँ दोस्तों 3DGIFMaker.com इसको आप सभी को टाइप करके सिंपली से सर्च कर लेना है और जो फर्स्ट में आप सभी को वेबसाइट ओपन होकर आएगा इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर देना है। सिंपली डेस्कटॉप साइट कर देने के बाद यहाँ पर अपलोड इमेज पर आप सभी को क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ से आप सभी को अपना जो है लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर से गैलरी में जाता हूँ, अपने लोगो का पीएनजी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो सिंपली मैं यहां पर लोगो का पीएनजी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आप सभी को कुछ यहां पर सेटिंग्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि ये साइज का हो गया, फर्स्ट में साइज को आप सभी को जितना रखना चाहते हो उतना रख लेना है। तो यहां पर मैं इतना साइज रख लिया। उसके बाद नीचे स्पीड आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, जितने स्पीड पर ये रोटेट हो उतना रख लेना है। और यहाँ पर टोटल फ्रेम वाला जो है इसमें आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको जितना रहे उतने रहने देना है या थोड़ा कम कर देना है सिंपली आप सभी को। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी का जो है लोगो बनकर तैयार हो जाएगा। सिंपली डाउनलोड GIF पर क्लिक कर देना है। अब ये कम्प्लीटली आप सभी का रोटेट वाला जो है GIF बनकर डाउनलोड हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, आप सभी को अपना काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। सिंपली क्रिएट न्यू पर क्लिक करके क्रिएट पर फिर से क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप सभी को अपने जिस भी वीडियो पर ये लोगो लगाना चाहते हो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो सिंपली मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वीडियो ले लिया है। सिंपली अब लेयर पर क्लिक करूँगा और मीडिया लेयर पर क्लिक करके सिंपली क्या करना है, आप सभी को फर्स्ट जो आप सभी का जो लोगो का PNG रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर साइड में ले जाकर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है, जितना छोटा रखना चाहते हो आप अपना लोगो लगाना चाहते हो। उसके बाद उसके लेंथ को आपको अपने वीडियो के लेंथ के जितना बड़ा कर देना है और उसके बाद आप सभी को कट लगा देना है यहाँ पर जितने पर आप चाहते हो कि वहाँ पर मेरा लोगो रोटेट हो उतने पर कट लगा देना है। उसके बाद रिप्लेस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने जो अभी लोगो डाउनलोड किया क्रोम से उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो स्टार्टिंग वाला जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से स्टार्टिंग के थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे अपने लोगो के साथ ताकि हमारा लोगो प्रोफेशनल लगे और यहाँ से छोटा बड़ा ना हो। तो उसके साइज जितना बड़ा कर देने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने बढ़ाया था उसको मैं फिर से वही उतना कट कर दूंगा। उसके बाद आगे आऊँगा और यहाँ से जो बीच में मैंने कट लगाया था इस पर भी क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक करने से पहले इसको बढ़ा दूंगा। उसके बाद रिप्लेस पर क्लिक करके सिंपली ये भी लोगो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इसको भी मैं इतने साइज जितना बड़ा कर दूंगा, यानी कि उसी लोगो पर इसे भी एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने छोटा करके इसको भी एडजस्ट कर दिया है। अब क्या करना है, पैची पर जाकर एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देंगे। अब हमारा कम्प्लीटली वीडियो बनकर जो है तैयार हो चुका है। अब देखेंगे जैसे ही मेरा वीडियो यहाँ पर जाता है वो रोटेट होने लगता है, यानी घूमने लगता है हमारा लोगो। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है वीडियो बना सकते हैं। अब इस
वीडियो को मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ तो भाई टिप्स नंबर 4 पर बात करेंगे हम जूम इन जूम आउट। अगर आप टेक्निकल योगी सर जी के वीडियोज को रेगुलर वॉच करते होंगे तो आपने ये बात जरूर नोटिस किया होगा उनके वीडियोज में कि जब वो अपना कोई भी कुछ भी बताते हैं किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो जब भी उनका जो फर्स्ट लाइन होता है वो ख़त्म होने पर उनका वीडियो जूम इन हो जाता है और जब भी उनका बात दूसरी लाइन स्टार्ट होती है तब उनका वीडियो जूम आउट हो जाता है और ऐसा उनके वीडियोज में चलता रहता है। तो अगर आप भी इस तरीके का जूम इन जूम आउट वीडियो एडिटिंग अपने वीडियोज में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर को ओपन कर लेना होगा। हाँ तो भाई यहाँ पर हमने अपना काइनमास्टर ओपन कर लिया है। क्रिएट नो पर क्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं तो सिंपली इतना हो जाने के बाद आप सभी को अब सिंपली यहाँ पर आप सभी को एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आपका कोई भी वीडियो हो सकता है तो मैं एग्जांपल के लिए मैं योगी सर का ही वीडियो ले रहा हूं। और सिंपली मैं यहां पर छोटा सा वीडियो क्लिप रखूंगा। मैं केवल आप सभी को एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, मैं आप सभी को जरिया बताने वाला हूँ ये आप सभी को वीडियो में अपने वीडियो में अप्लाई करना है। तो सिंपली मान लीजिए ये मेरा हो गया, इसके ऑडियो को मैं म्यूट कर दूंगा। सिंपली अब मुझे यहाँ पर कट लगा देना है जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो यहाँ पर जूम हो जाए और जहाँ पर चाहता हूँ मेरा ये वीडियो जूम आउट हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पर तीन कट लगा देता हूँ। एक कट यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं स्प्लिट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं स्प्लिट कर दूंगा, सिंपली थोड़ा सा अब आगे जाकर यहाँ पर मैं स्प्लिट लगा दूंगा और आगे चलकर यहाँ पर भी मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो कट लगा दूंगा। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना वाला फ्रेंड्स यह है कि आप सभी को यहाँ पर फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना, सेकंड वाले में आप सभी को क्लिक करके सिंपली पेन जूम पर चले जाना है और यहाँ पर बीच पर टाइप करने के बाद आपको अपने फिंगर्स की मदद से दोनों फिंगर्स की मदद से जूम थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर लेना है। अब इतना कर लेने के बाद अब ये आपका ऑटोमेटिक जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में चले जाना है जूम इन कर लेना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जूम इन कर लेना। तो यहाँ पर आपको अपने वीडियो के हिसाब से जूम इन जूम आउट करना है। जहाँ पर आपको जूम आउट करना चाहते हो जहाँ पर जूम आउट कर देना है, जूम इन करना चाहते हो जूम इन कर देना है। तो जूम आउट नहीं करना है, सिर्फ आपको जूम इन ही करना है। जूम आउट तो आपका हो जाए ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आपने जूम इन किया होगा। तो सिंपली ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो जो है एडिट हो जाएगा आसानी से। हाँ तो भाई टिप्स नंबर 5 पर हम बात करेंगे। टेक्निकल योगी सर जी के वीडियोज में अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे वीडियोज क्लिप प्ले होते रहते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो क्लिप देखिए, इसमें योगी सर पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें छोटा सा क्लिप पैसे को दिखाया जाता है। तो ये सब कॉपीराइट फ्री वीडियोज होते हैं लेकिन आप जानते नहीं कि कैसे इन्हें डाउनलोड करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं कॉपीराइट फ्री वीडियोज। तो ये ही वीडियो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इस तरीके का कॉपीराइट फ्री वीडियो डाउनलोड करने के लिए को अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पर सर्च बार पर सभी को टाइप कर देना है pixabay.com, इसे वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप सभी का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के आपको वीडियो चाहिए उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि मुझे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज क्लिप चाहिए, यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग लिख के यहाँ पर सिंपली सर्च कर लूँगा और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज सारे आ जाएंगे। तो इसमें से अगर आपको कोई भी डाउनलोड करना है तो सिंपली इस पर किसी भी वीडियो पर क्लिक कर देना है। कर देने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो यहाँ से किसी भी साइज के जिस भी साइज का वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं उस साइज रेजोल्यूशन का वीडियो यहाँ पर आप क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।